प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर ओपी मित्तल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, आपको स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसा कि आपने काफी दिन से सुना होगा अखबारों में, टेलीविजन में, कि हरियाणा प्रांत में और देश में एक नई तरह की फ्लू की बीमारी आई है, जिसको स्वाइन फ्लू कहा गया है। 6 महीने पहले ये बीमारी पहली बार हिंदुस्तान में आई थी, इसने प्रवेश किया, और ये बाहरी मुल्कों से, जैसे सबसे पहले ये अमेरिका में ये बीमारी आई थी, उसके बाद से पूरे विश्व में ये फैल गई है। तो ये कोई जो फ्लू है, ये घबराने की बात नहीं है। इसमें ये एक बहुत ही आम, जैसे फ्लू होता है वैसे ही एक फ्लू है, एक जुकाम टाइप बीमारी है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा घबराने की बात है। जैसे बाकी सर्दियों में ज़्यादा जुखाम होता था, इस बार भी सर्दियों में ये जुखाम की बीमारी है जो कि ज़्यादा होगी। जो स्वाइन फ्लू है, ये एक छोटे से जीवाणु से फैलता है, जिसे वायरस कहते हैं, और उस वायरस का नाम है AH1N1। जब किसी को ये फ्लू हो जाता है तो उसको नॉर्मल जो है जुखाम होता है, नाक बहना, बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी, दस्त, गले की खारिश, इस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बाकी दूसरे जुखाम में भी होते हैं, दूसरे फ्लू में भी होते हैं। जैसे ही ये लक्षण आप देखें कि आप में आ रहे हैं, आपको जुखाम हो रहा है, नाक बह रहा है, गला खराब है, बुखार है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तुरंत जो है, जो भी नज़दीक के आपके सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ जाकर इसका चेक कराइए, और जो वहाँ डॉक्टर होंगे वो इसके बारे में देख करके, इसका ज़रूरत है टेस्ट करने की है, इलाज करने की है, दवाई देने की है, जो भी है अपने स्तर पर करेंगे। जहाँ तक स्कूल में है, अब जैसे भी, अब इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, जिसको हो जाए ये जुखाम या फ्लू, उसको दूसरों को बचाने के लिए कुछ काम करने हैं, जैसे कि उसके अपने मुंह के ऊपर रुमाल वगैरह ढक के रखना है, जब छींक आए तो मुंह पे रुमाल ढकना है, और दूसरों लोगों के साथ उसको नहीं बैठना है, घर में उसको रेस्ट करना है 10 दिन के लिए, जैसे भी उसको डॉक्टर बताएंगे। और जो बाकी लोग हैं जिनको कि जुखाम नहीं है, उन्होंने, उनको है कि वो बचने के लिए वो जुखाम वाले मरीज से या बच्चे से दूर रहें। हर चीज़ आँखों, चेहरे पे, आँखों पे लगाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धो लें, खाना खाने से पहले अच्छी तरह धो लें, दिन में कई बार पानी पिएं, जो खाना है वो स्वास्थ्यवर्धक हो, नाश्ता, लंच, डिनर जो है। तो ऐसी ये बीमारी नहीं है कि जिससे आप ये घबराएं कि ये कोई छुआछूत है होगा, लेकिन हाँ, बचना ज़रूरी है इसको एक दूसरे से, क्योंकि ये जुखाम जो छींक करता है आदमी, उसके ज़रिए फैलता है, या जिस विद्यार्थी को या मानव को ये फ्लू हो गया है, वो अपनी नाक के हाथ लगाएगा तो उसके हाथों में चला जाएगा, अब दूसरे से हाथ मिलाएगा तो उसको वो बीमारी फैल सकती है। तो अच्छा तरीका यही है कि हाथ ना मिलाने की बजाय दूर से ही नमस्ते कर दें, और ख़ास तौर इन दिनों में, अभी 2 महीने जो हैं, जनवरी और फरवरी, इसमें इसके लिए परहेज रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हाथ मिलाना, आपस में गले मिलना, ये जो है थोड़ा सा इससे बच के रहना है, और
कोई भी मेडिसिन दवाई जो है इसके लिए बिना डॉक्टर के पूछे नहीं ले जानी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर, अब क्या होता है कि मान लिया जुकाम हो जाता है, सब सोचते हैं ये हो गया इसका टेस्ट होना चाहिए, घबरा जाते हैं। ऐसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर देखेगा कि किसको टेस्ट कराना है, किसको रेस्ट की जरूरत है, किसको दवाई की जरूरत है। और स्कूलों में जैसे है कोई भी जो ज़्यादा बच्चे इकट्ठे होने की, जैसे मॉर्निंग में असेंबली है, इसको भी एक दो महीने के लिए अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है कि बड़ी जल्दी से ये फैल सकता है। अगर एक बच्चे को ये जुकाम है, ये फ्लू है, तो जो असेंबली में बड़ी जल्दी से फैलने के चांसेस हैं। तो अभी दो महीने के लिए जो मॉर्निंग असेंबली स्पेशली या कोई और गेट टुगेदर फंक्शंस हैं उनको स्कूल के अंदर अवॉइड किया जा सकता है। इसको जैसे बताया इसके लिए क्या करना है बचने के लिए, अपने मुंह को और नाक को कपड़े से ढककर रखें, रुमाल से ढककर रखें। आप अपने हाथ को बार बार धोएं, किसी चीज़ को हाथ लगाने से पहले, अपने नाक को हाथ लगाने से पहले हाथ अपने धोकर तभी उसको आँखों के या इसके ऊपर लगाएं। भीड़ भाड़ में ना जाएं। और जो आदमी को जुकाम है उससे थोड़ा दूरी, कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। रात को अच्छी तरह से नींद लें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, मेंटल जो तनाव मुक्त रहें और पानी वगैरह ज़्यादा पिएं। और जब आप खांसी करते हैं या तो रुमाल जो है चेहरे के ऊपर जरूर ढक लें, ताकि जो इसके जीवाणु हैं वो बाहर हवा में ना फैल सकें। जहाँ तक ये बीमारी है, ये जैसे जैसे आप कम्युनिटी में फैलेगी, बच्चों में हर जगह क्या है, आमतौर पे इसका जो है बच्चे इसके लड़ने के काबिल, इस बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। उनमें अंदर एंटीबॉडीज, हम कहते हैं, लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और धीरे धीरे ये बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे स्कूलों में है, अभी कुछ जिलों में हमारे स्कूलों में इनके केसेस पाए गए हैं, स्पेशली गुड़गांव में, भिवानी में, सोनीपत में, फरीदाबाद में, पंचकुला में, तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है अध्यापक साहबान की मदद से और बच्चों से बड़े अच्छे तरह से इसमें कंट्रोल पाया गया और उसमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। हरियाणा में ज़्यादातर ये दिल्ली के जो आसपास ज़िले हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है, जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, लेकिन बाकी जगह भी अब ये जुकाम, ये बीमारी जो है आ गई है। अगर स्कूल में किसी बच्चे को जुकाम हो तो अध्यापकगण की भी ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो स्कूल गाइडलाइंस हैं वो सारी स्कूलों को भेज जा चुकी हैं। हमारे जो ज़िला में सिविल सर्जन हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने सभी स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की मदद से ये जो गाइडलाइंस हैं स्कूल्स के लिए वो भेज दी गई हैं। और स्कूलों में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी जा जा के इस बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बताया कि ये बाकी जैसी बीमारी होती हैं, बाकी जुकाम होते हैं, वैसे ही करीब करीब बीमारी है। और ये दो महीने के बाद अपने आप इसकी जो है, गर्मियों में क्योंकि जो वायरस है ये जैसे छींकते हैं या खांसी करते हैं तो हवा में, गर्मी में ये वायरस ज़्यादा नहीं टिक सकता, तो ये दो महीने के बाद धीरे धीरे ये बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा भी आपने स्वास्थ्य संबंधी आपको मैं बता दूं कि देखिए स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों एक बड़े ज़रूरी हैं कि आप स्वास्थ्य रहें, शिक्षा प्राप्त करें, तभी जो है देश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान हो सकता है। आपको प्रतिदिन जो है नहाना बड़ा ज़रूरी है। सुबह उठकर सबसे पहले अपना शौच वगैरह करके नहाइए, गर्म पानी या ठंडे पानी से, जिससे भी आप नहाते हैं, ताज़े पानी से अच्छी तरह नहाइए, पूरे शरीर पे साबुन लगाकर नहाइए, थोड़ा सा उस पर तेल लगा लीजिए शरीर पे, वो अच्छा रहता है आजकल क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, तो सरसों का तेल अगर आप थोड़ा थोड़ा शरीर पे लगा लेंगे नहाने के बाद तो वो अच्छा रहता है। अपने जो नाखून वगैरह हैं इनको हफ्ते में एक बार ज़रूर काट लीजिए, पैर के नाखून हैं, हाथ के नाखून हैं, क्योंकि नाखूनों के जो अंदर है उससे भी कई तरह के बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, वायरस जमा हो जाते हैं, जो कि आपके अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, कई तरह की बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे कि दस्त लगना, आपका गला ख़राब होना। और इसलिए ज़रूरी है कि ये नाखून जो है आपके हर हफ्ते एक बार आप ज़रूर काट लें। इसके अलावा दांतों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि दांतों का
सुबह एक बार जो है अवश्य ब्रश करें, नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले खाने के बाद जो है दो बार ब्रश करें, क्योंकि जो दांत में अगर खाना चिपका रह जाता है तो उस खाने में भी कीटाणु जो है आ जाते हैं, और ये कीटाणु भी आपके दांतों के लिए भी नुकसानदायक हैं और आपके अंदर शरीर में जा करके भी नुकसान पैदा करते हैं। तो अपने दांतों की भी रक्षा करें, और इसके बारे में जब भी कोई दांत में आपके कीड़ा लगा हुआ है, दांत की कोई समस्या है, तो हमारे हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्तर पर, हर PHC के स्तर पर दांतों के डॉक्टर हैं, आजकल कार्यरत हैं, तो आप दांतों के डॉक्टर से मिल सकते हैं और दांतों के बारे में अपनी समस्याएं हैं वो जल्दी ठीक कर लें। क्या होता है, नहीं बच्चों में क्या कीड़े लग जाते हैं, कैविटीज़ बन जाती हैं, दांत खोखले हो जाते हैं, फिर दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है, तो तुरंत हमारे जो दांतों के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मिलें और उनको इस बारे में से चेक कराएं और अपना इलाज कराएं। अगली बात है कि आंखों के बारे में। देखिए, आंखें बड़ी ज़रूरी हैं। जैसे कहते हैं कि आंख है तो जान है, क्योंकि बिना आंखों के आप कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ कर नहीं सकते। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों में आंखों का देखने में दिक्कत आती है, वो बोर्ड पर नहीं देख सकते। अब वो चलता रहता है, चेक नहीं कराते। जब भी आपको लगे कि आप बोर्ड पे नहीं देख पा रहे हैं, साफ नहीं देख पा रहे हैं, और वैसे भी कम से कम 6 महीने साल में अपनी आंखें जरूर चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका नंबर आ गया हो। अगर नंबर आ गया है तो उसमें चश्मा लगाना बड़ा ज़रूरी है। उसमें हमारे जो आंखों के डॉक्टर हैं वो चेक करने आते हैं स्कूलों में, और जब वो कहते हैं कि इसका नंबर है तो वो जा करके उसकी जांच हो जाती है। तो आंखों के प्रति भी बड़ा आपको ध्यान रखना है, आंखों को धूल से, मिट्टी से बचा के रखना है। सुबह शाम उसको अच्छी तरह से आंखों में पानी के छींटे मार करके उसको साफ करना है। तो आंखों के प्रति भी आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें और आप लंबे समय तक आंखों से इस जीवन को, जीवन के हर पहलू को देख सकें। इसके बाद क्या है, बच्चों में पेट में कीड़े की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे ही आप स्पेशली जो बच्चे नंगे पांव घूमते हैं या खेतों में जाते हैं, जो सोच करने बाहर जाते हैं, लैट्रिन के अंदर अपने टॉयलेट्स में जो घर में बने हैं उनमें नहीं जाते हैं, तो उनमें एक वर्म जो है इन्फेस्टेशन हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं पेट में। कई तरह के कीड़े हैं, जैसे राउंड वर्म है, हुक वर्म है, थ्रेड वर्म्स हैं। ये जो कीड़े हैं, इससे क्या होता है कि बच्चे का जो खून बनना है वो कम हो जाता है और बच्चों में अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि आपके पेट में दर्द रहता है, आपकी सोच ठीक नहीं आ रही है, तो तुरंत इस बारे में भी जाकर के अस्पताल में जांच करानी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसको भी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप बीमार हैं तो बट नेचुरल है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप स्कूल से भागना चाहेंगे, छुट्टी करना चाहेंगे, घर में भी जाके आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो अपने स्वास्थ्य संबंधी जो है ये बच्चों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, आँखों का, दांत का, दांतों का, और बाकी भी अपने। कई बार क्या है, अब आप नहाते नहीं हैं, आप मिट्टी में खेल रहे हैं, आपके शरीर पर क्या है, फोड़े फुंसियाँ निकलाते हैं, धीरे धीरे वो फोड़े फुंसियाँ हैं, इलाज नहीं कराया, वो फूट गए, उससे क्या चेहरे पे हैं तो चेहरा आपका ख़राब हो जाता है, और कई बार ये फोड़े फुंसियाँ फिर जाके और दिक्कत पैदा करते हैं। तो जब भी इस तरह की कोई बीमारी हो, शरीर पे, चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ हों, इन सबको तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए। एक बड़ी कौन बात होती है, इसको हम स्केबीज कहते हैं, खाज की बीमारी इसको कहते हैं। होता क्या है कि ये एक छोटा सा जीवाणु होता है जिसको हम स्केबियाई कहते हैं। ये जब स्किन के ऊपर आ जाता है तो पूरे स्किन में, चमड़ी के ऊपर आपके खुजली हो जाती है। इसका इलाज तुरंत कराना बड़ा ज़रूरी है, और एक बार घर में एक को अगर खुजली हो जाती है तो पूरे घर वालों को खुजली होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए भी तुरंत जो है डॉक्टर से मिलिए, उसका इलाज कराइए, और इसमें सारे ही परिवार का, एक बार घर में खुजली हो जाए तो पूरे परिवार का इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि सेहत ठीक होगी तो आपकी पढ़ाई ठीक होगी, पढ़ाई ठीक होगी तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आनंद लेंगे जीवन का,
तो ये बातें थी जो मैं बताना चाहता था। मैं फिर दोबारा स्वाइन फ्लू की फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वाइन फ्लू के बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको जुखाम, खांसी, गला खराब, बुखार, दस्त, उल्टी, इकट्ठे एक जैसे लगें तो तुरंत डॉक्टर से अपनी जांच कराएं, और जैसे डॉक्टर आपको सलाह दे वैसे उसको आप लागू करें, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। स्वाइन फ्लू पूरी तरह से बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। इसकी दवाई हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं, हर जिला मुख्यालयों पर जिला के अस्पताल में ये दवाइयाँ दी हुई हैं, और जब भी जरूरत होती है डॉक्टर जिसको जरूरत होती है ये दवाई देते हैं, बिल्कुल मुफ्त ये दवाई मिलती है, उसमें घबराने की बात नहीं। क्योंकि स्वाइन फ्लू के लिए जो भी टेस्ट करेंगे, डॉक्टर कराएंगे या दवाई देंगे वो बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए कोई किसी किस्म का पैसा नहीं लगता है। अगर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा तो उसका भी वो फ्री इलाज है, लेकिन सावधानी बरतना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि सावधानी ही बीमारी को आगे फैलने से रोकती है। तो सभी अध्यापकगण और सभी विद्यार्थीगण इस बात को ध्यान दें कि अभी 2 महीने जो हैं, जब भी जुखाम, खांसी, गला खराब आपको हो तो तुरंत जो है आप डॉक्टर को दिखाएं, और जैसे डॉक्टर सलाह देता है उसकी सलाह को पूरी तरह से माने। मैं इतना ही आपको आज बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें जान करके इनको लागू करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।